एक पति पत्नी के जोड़े को दो बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा दो मंजिला घर बनाकर दे दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इन दोनों में लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूखना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसी भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दिया गया रूखा सूखा भी उसे किसी पकवान से कम न लगता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस दिन एक माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस जलाना आता ही नहीं। तो बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए तो आपको गैस जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के ही पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे,
ना कि वह लाठी बनकर उन्हीं के पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है दोस्तों। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों, यह माँ की भावुक करने वाली इस कहानी को पढ़कर आप भी भावुक हो गए क्या? लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश्य आपको भावुक करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा गया है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को यह वाली शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बस उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ बाप को एक बात में ही इतनी बड़ी बात कह दी, दिल भावुक हो गया।